नमस्कार साथियों, क्या राजस्थान में ईडी के छापे जो पड़ रहे कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, क्या कांग्रेस को नुकसान होगा? आइए जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ठीक चुनाव के ठीक पहले, आचार संहिता लगने के बाद ईडी के छापे चारों तरफ चालू हो गए, और उसके हिसाब से क्या भारतीय जनता पार्टी मैसेज देना चाहती है, वहां की जनता को क्या मैसेज जाएगा कि जो भी यहाँ पे भ्रष्टाचारी है उसके ऊपर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, क्या उसका दूसरा असर पड़ेगी कि जो छापे पड़ रहे हैं वो भी किसी भी न किसी रूप से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को बदनाम करने के लिए कर रही है, उसका क्या परिणाम आएगा, लोगों के जनता में क्या मन है, सवाल में क्या बना हुआ है? लोगों को ऐसा लग रहा है कि जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां पर भारतीय जनता पार्टी ईडी के छापे पड़वाती है। इसके पहले आपने देखा होगा कि कर्नाटक में छापे पड़े, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ तो छत्तीसगढ़ में चुनाव जब डिक्लेयर हुआ तो वहां पर भी छापे पड़ने चालू हो गए, कांग्रेस के नेताओं के ऊपर ही चालू हुए। लोगों को एक पखराज से पता चल गया है कि जो भी छापे पड़ रहे सत्ता का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को बदनाम करने के लिए छापे पड़वा रही है। उसी क्रम में राजस्थान में छापे पड़वाने लगे और ऐसा एक माहौल बनाने लगे, उनको लगा कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी वहां पे कमजोर है, कोई सीएम का उम्मीदवार नहीं है, उसके कारण उन्होंने वहां पे छापे मरवाना चालू कर दिया। उसी के नतीजे में वहां की जनता ने ऐसा मन बना लिया कि जहां जहां चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है वहां पर छापे पड़ते हैं, और छापे पड़ने के बाद आपने ये भी देखा होगा कि उसका कुछ होता नहीं है। जब भी चुनाव खत्म होता है तो लोग भूल जाते हैं। आपको याद होगा कि लोकसभा के चुनाव के ठीक पहले रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर छापे पड़ने चालू हो गए, ईडी ने बुलाना चालू किया, घंटों तक उससे पूछताछ होती रही, लेकिन उसके बाद भी आज तक उनका किसी का कोई कुछ हुआ नहीं, किसी के पास से कुछ निकला नहीं। लोगों को एक अब ऐसा लगने लगा है कि राजनीति के जिस प्रकार से चल रही है, लोग अपना सत्ता का दुरुपयोग करके विपक्ष के ऊपर छापा पड़वाना, उसको बदनाम करना, आखिरी शस्त्र ईडी का एक लोगों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। तो देखते हैं आगे वाले आने वाले समय में राजस्थान में क्या होता है, वहां की जनता क्या मूड बना के रखी है। लोगों के दिमाग में इतना तो हो ही गया है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक द्वेष के कारण सत्ता का दुरुपयोग करके छापा पड़वा रही है। जय हिंद, जय भारत।